कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर के तट पर स्थित जयराम विद्यापीठ के गीता शोध केंद्र में भारत साधु समाज की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में देश के विभिन्न अखाड़ों के पदाधिकारी तथा भारी संख्या में साधु संत शामिल हुए। भारत साधु समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महंत बंसीपुरी तथा महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद की मौजूदगी में समाज और देश के प्रति विषम परिस्थितियां एवं धर्म यात्राओं पर हो रहे आतंकी हमलों पर साधु संत समाज द्वारा गहन चर्चा की गई। भारत साधु समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देशभर में फैली जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष एवं उत्तराचल संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि आज भारतीय समाज की बिगड़ी हुई वर्तमान परिस्थितियों को लेकर पूरे देश का साधु संत समाज चिंतित है। उन्होंने कहा कि आज यह विचारणीय विषय है कि किस प्रकार नई पीढ़ी को शास्त्रों के ज्ञान के साथ आगे बढ़ाया जाए। आज साधु समाज को समझना होगा कि समाज और देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है। ब्रह्मचारी ने कहा कि भारत साधु समाज का प्रयास है कि सारे देश के संत एकजुट होकर देश को मजबूत करें। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में धर्म को लेकर समाज में आ रही गिरावट तथा देश की सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में भारत साधु समाज की हरियाणा प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें महंत बंसीपुरी को राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई। ये खरदर्शन साधु समाज और भारत साधु समाज की एक संयुक्त बैठक थी। हमारे संत समाज के विभिन्न विषयों पर इस पर चर्चा हुई और इसके साथ साथ में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत साधु समाज एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये विगत कम से कम 60 सालों से हमारे देश में काम कर रही है। तो जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज जो कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूज्यपाद स्वामी हरिनारायणानंद जी इसके महामंत्री तथा पूज्यपाद ब्रह्मस्वरूप जी ब्रह्मचारी इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन लोगों ने हरियाणा के संत समाज से आग्रह किया कि इस संस्था को हरियाणा में संगठित किया जाए, जिसके लिए उन लोगों ने सभी ने संयुक्त रूप से मेरा नाम अध्यक्ष पद में हरियाणा भारत साधु समाज के लिए मेरे को मनोनीत किया। सर्वप्रथम तो मैं उन पूज्य महापुरुषों का धन्यवाद करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने मेरे को इस योग्य समझा। आज विषम परिस्थितियों में बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं कि जो सनातन के मूल सिद्धांतों के ऊपर एक कुठाराघात है, जैसे हमारी यात्राओं पे आतताई आक्रमण कर रहे हैं और भी बहुत सी घटनाएं ऐसी हो रही हैं। बहुत से ऐसे लोग धर्म का चोला ओढ़ करके धार्मिक संस्कृति पर एक प्रकार से उसको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी संत समाज समग्र रूप से अब पूर्ण रूप से कोशिश में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जनमानस को ये संदेश दें और विश्व बंधुत्व की भावना लोगों में जागृत करें, यही हम लोगों का उद्देश्य है। आज हरियाणा प्रदेश का भारत साधु समाज का गठन हुआ है, जिसमें बंसीपुरी जी महाराज को हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। पूज्यपाद शंकराचार्य जी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, महामंत्री श्री हरिनारायण जी महाराज और मैं पूरे भारत का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महाराज श्री ने मुझे नियुक्त किया है। आज पूरे देश में जिस तरह से संत समाज से को लेकर के एक चिंता की जा रही है कि आने वाली पीढ़ी किस तरह से शास्त्र के ज्ञान लेकर के आगे बढ़े और हमारे संत समाज की क्या देश के प्रति जिम्मेदारी है। पूरा देश का संत जिस तरह से अपने अपने मठों से देश की और धर्म की सेवा कर रहा है, उसमें कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए और आने वाले संतों का स्वरूप और शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, इसकी एक रूपरेखा तैयार की है और सारे संत एकजुट होकर के धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए आगे बढ़ के सेवा करें,
आगे बढ़ करके अपनी सेवाएं दें, ऐसा निर्णय आज लिया है।